क्वेश्चन फोर की डिटेल में हमें दे रखा है, ऑन March 31, 2016 आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक ऑफ द फर्म एट ₹4 lakh, ₹3 lakh, and ₹2 lakh रिस्पेक्टिवली. सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% हैज़ बीन ओमिटेड. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू ₹1 lakh 50,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैज़ बीन माउंटेन 20,000, हिल 15,000, रॉक 10,000 रुपीज. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें यह पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऑलवेज बिगनिंग की कैपिटल पे निकलता है, एंडिंग की नहीं. तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बिगनिंग कैपिटल निकालनी होगी. हमें कैपिटल एट द एंड दी हुई है, वो है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स. ड्राइंग्स यूजुअली जब हम बिगनिंग की कैपिटल से एंड पे जाते हैं तो लेस करते हैं, लेकिन हम एंडिंग से बिगनिंग में आ रहे हैं तो ऐड करेंगे. माउंटेन की ड्राइंग से रखी है 20,000, हिल की 15,000 और रॉक की 10,000. आंसर आएगा 4 लाख 20,000, 3 लाख 15,000, 2 लाख 10,000. लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख 50,000 और इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा कि कैसे डिवाइड करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में 50,000 ईच. आंसर आएगा माउंटेन का 3 लाख 70,000, 2 लाख 65,000, 1 लाख 60,000. ये जो आंसर आया ये है इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बिगनिंग की है. अब हम इन तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे एट द रेट 10% पर एनम. माउंटेन का निकालेंगे 3 लाख 70,000 का 10%, 37,000. हिल का 2 लाख 65,000 का 10%, 26,500 और रॉक का 1 लाख 60,000 का 10%, 16,000.